हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम सॉल्यूशन। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा आप लोग एकदम सिंपल कंपोनेंट को लेके कैसे एक इन्वर्टर बना सकते हो। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर एक भेरो बोर्ड लिया हूँ, ठीक है, और एक ट्रांसफार्मर लिया हूँ 12 वोल्ट 1 एम्पियर का, कुछ रिले लिया हूँ और एक आईसी लिया हूँ और एक छोटा सा ट्रांसफार्मर लिया हूँ, ठीक है। दोस्तों, ये इतना सा कंपोनेंट से हम लोग एक ऑटोमेटिकली इन्वर्टर को बिल्ड करेंगे, जिस इन्वर्टर करंट को सेंस कर सकता है और जो इन्वर्टर ऑटोमेटिकली काट आउट हो जाएगा और जब पावर आएगा तो वो बैटरी को चार्जिंग मोड में डाल देगा, पावर चला जाएगा तो बैटरी से चार्ज को खींच के आउटपुट को कांस्टेंट पावर सप्लाई देगा। वो मतलब हमारा मेन लाइन में पावर रहे या ना रहे, मेरे आउटपुट में हमेशा पावर रहेगा। तो इतना छोटा सा कंपोनेंट से हम लोग ये इन्वर्टर को बिल्ड करेंगे। तो पहले दोस्तों, इसका जो सर्किट है, सर्किट को मैं बाद में आप लोगों को अच्छी तरह से मैं बताऊंगा और एक सेपरेट वीडियो में, जिससे आपको इसका जो सर्किट है ये आसानी से समझ में आए। पहले जो इधर में आप लोग ये SMPS देख रहे हैं, ये बैटरी के काम करता है, जो 5 वोल्ट DC सप्लाई इसको यहाँ पर प्रोवाइड करता है। तो ये 5 वोल्ट DC सप्लाई प्रोवाइड करने के दौरान ये जो लाइट है, ये लाइट ग्लो करने लगेगा, ठीक है। अभी देखिए, इधर जो इंडिकेटर है ये ऑफ है, मतलब इस पर कोई कहीं करंट नहीं है। तो ये जो इधर मेन सर्किट बोर्ड है, ये सर्किट बोर्ड में जो सिग्नल है ये ऑसिलेट करेगा, जो MOSFET से एम्पलीफाई होगा, और जो ये वाला मेन ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर से और भी ज़्यादा एम्पलीफाई होके आउटपुट में आके ये ग्लो करेगा। और दोस्तों, ये वाला जो सर्किट है ये करंट के लिए है, तो मैं आपको सेकंड पिक्चर में दिखाता हूँ। ये देखिए, अभी दोस्तों इधर क्या हो रहा है, ये बार देखिए, ये पर मेरे पास एक बैटरी पे ये पावर बैंक जो भी है, EMI का पावर बैंक है ये, तो मैं इसको निकलेक्ट कर देता हूँ। ये मान लीजिए एक बैटरी है, ठीक है, जो इधर कनेक्टेड है। तो अभी क्या है, ये प्लग से कनेक्टेड है, तो प्लग से करंट आ रहा है, ये इसमें आ रहा है, ये इधर DC वोल्टेज फॉर्म कर रहा है। जो ये बैटरी से करंट जो आने के लिए जो रिले यहाँ पर लगता है, इसको कट कर देता है, तो ये जो सर्किट है ये स्टॉप हो जाता है। तो इधर ये सर्किट टोटली क्लोज हो गया। अभी जो है ये क्या करता है, जो मेन पावर से जो लाइन आउटपुट में आएगा, ये रिले को ऑन कर देता है। ये रिले को ऑन करने के दौरान जो मेन पावर से आउटपुट है, या मेन पावर का करंट दोनों तरफ डिवाइड होता है, एक है ये छोटा सा ट्रांसफार्मर को चलाने के लिए, दूसरा है जो मेन हमारा लोड है इसको लगाने के लिए। अब दोस्तों ये तो बना दिया हमने सिंपल सा इन्वर्टर, लेकिन इसको अभी बॉक्स का ज़रूरत है। तो बॉक्स के लिए मैं इधर जो ऑनलाइन का जो बॉक्स है, वो बॉक्स को लिया और उसको दोनों लेयर में मैं डिवाइड कर देता दिया। ये देखिए, ये है इनर लेयर और दूसरा है आउटर लेयर। इससे क्या होता है, बॉक्स हार्डी बन जाता है। हार्डी बनने के बाद ये बॉक्स को इस टाइप से और एक बाहर में और एक जो वुड का एक लेयर इधर चिपका दिया, ठीक है, ये वुड का लेयर चिपका दिया। और फिर फिनिशिंग टच में हम लोग इसके ऊपर थोड़ा सा ग्रीन पेपर, मतलब ग्रीन आर्ट पेपर ये इसके ऊपर चिपका दिया। तो ये और फिर जो आउटर साइड है, उधर थोड़ा सा ये देखिए, उधर थोड़ा सा ये टेप से कवर कर दिया, इससे ये जो चीज़ है ये अच्छी तरह अच्छा दिखे। और जो आउटपुट है, आउटपुट के लिए मैं यहाँ पर एक 3 पिन प्लग को लिया, ये देखिए 3 पिन प्लग। और फिर दोस्तों ये इन्वर्टर हमारा हो गया तैयार। अब दोस्तों इसके अंदर जो सर्किट हमने, ये जो ओवरऑल जो सर्किट यहाँ पर बनाया था, जो टेस्ट किए थे ये इधर ये कार्डबोर्ड में, ये सर्किट को ओवरऑल सर्किट को इधर से उठा के इसमें चिपका दिया दोस्तों, ये देखिए। और जो आउटपुट के लिए हम लोगों ने एक सॉरी इनपुट के लिए हम लोगों ने एक 2 पिन पावर सप्लाई इधर लिया। और बाकी जो इधर वायरिंग है, वायरिंग को मैं आपको डिटेल्स में समझा दूंगा मेरे सेकेंड जो पार्ट में, इसका सेकेंड पार्ट में। तो इधर देखिए दोस्तों क्या हो रहा है, ये कनेक्शन देखिए, ये इधर आ रहा है, आने के बाद ये डायरेक्ट एक रिले में घुस जा रहा है और डायरेक्ट इधर घुस जा रहा है, और ये इससे रिले से होते हुए ये देखिए आउटपुट में जा रहा है। अब जो मिडिल में पोर्शन है ये देखिए, बैटरी से इनपुट आके ये बोर्ड में जा रहा है
और जाने के बाद इधर जो मेन आउटपुट ट्रांसफार्मर है ये ट्रांसफार्मर में जा रहा है, ठीक है। तो अभी जो इस बात करते हैं इसका लोड कैपेसिटी के बारे में, तो इस ये दोस्तों डिपेंड करता है इसका ट्रांसफार्मर का जो पावर है उसके ऊपर, मतलब इसका केवीए रेटिंग के ऊपर ये डिपेंड करता है। ट्रांसफार्मर का केवीए रेटिंग जितना ज़्यादा होगा और इसका जो मॉस्फेट है मॉस्फेट का नंबर जितना ज़्यादा होगा इसका पावर भी उतना ही ज़्यादा बढ़ते रहेगा। तो दोस्तों यही था एकदम सिंपल इन्वर्टर। और फ्रंट में मैं दोनों इंडिकेटर लगा दिया, एक है जो मेन पावर के लिए, मान लीजिए कि है ये इधर पावर के लिए, और दूसरा है दोस्तों बैटरी चार्जिंग के लिए, ठीक है। हमारा फाइनली इन्वर्टर इस टाइप का लुक देता है। तो इस ये देखिए साइड लुक, ये देखिए ये है बैक साइड लुक। इसमें जो ये है ये बैटरी का चार्जिंग पोर्शन के लिए है, इसमें एक एक रेड वायर है पॉजिटिव वायर और ब्लैक वायर है नेगेटिव वायर। दोस्तों तो यही था मेरा इन्वर्टर, और फिर दोस्तों टैगलाइन मैंने चिपका दिया, और फिर तीनों पार्ट में मैं इसको डिवाइड कर दिया। तो पहला जो पार्ट है वो है ट्रांसफार्मर सेक्शन, मतलब ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है लेकिन हम लोगों ने इसको स्टेप अप के लिए यूज़ किया। जो सेकेंड जो पोर्शन है वो है दोस्तों इन्वर्टर की बैटरी को चार्जिंग एंड रिले को ऑपरेट करने का पोर्शन। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा ट्रांसफार्मर लिया, ज़्यादा इसका पावर नहीं है, 500 मिली एम्पियर तक ही करंट ये प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और जो इसका ये है ये भी दोस्तों 1212 वोल्टेज का है। इसमें दोस्तों मैं एक ब्रिज कनेक्शन यहाँ पर लगा देता हूँ, विन ब्रिज, जिससे क्या होता है जो एसी वोल्टेज है वो डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। और डायरेक्ट इसको इधर ये रिले से कनेक्ट करता हूँ, मतलब रिले में, बट ये जो रिले में मैं कनेक्ट करता हूँ ये डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करता, इससे क्या होता है रिले का कॉइल जो है कॉइल जल जाएगा, इसीलिए मैं इधर एक रेजिस्टेंस लगा देता हूँ 100 ओम का, ठीक है। 100 ओम का रेजिस्टेंस इधर और इधर लगा देता हूँ, और एक दोस्तों इधर से और एक पावर लेके ये बैटरी का चार्जिंग के लिए मैं ये बोर्ड में इधर रखता हूँ, ठीक है। और तीसरा नंबर है जो इसका ब्रेन ऑफ द इन्वर्टर, मतलब इसका बोर्ड। तो दोस्तों बोर्ड बहुत ही सिंपल है, आप लोग ये सर्किट बहुत ज़्यादा देखे होंगे। इसमें है IC CD4047, ये दोस्तों बहुत ही नॉर्मल आईसी है जो स्क्वायर जनरेट करता है बेसिकली। तो इसमें जो ये जो पोर्शन है, मतलब ये पोर्शन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है दोस्तों। ये पोर्शन को बनाने में मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल हुआ, क्योंकि ये पोर्शन का अगर वैल्यू थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाता है तो इसका जो फ्रीक्वेंसी में बहुत ही मेजर डिफरेंस आ जाएगा। इसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ से ज़्यादा होकर 60 हर्ट्ज़ चला जाएगा, अभी 70 हर्ट्ज़ चला जाएगा। इसलिए दोस्तों ये चीज़ को इधर आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा। और जो इसको मॉस्फेट के ऑपरेट के लिए मैं इधर छोटा छोटा दो मतलब मॉस्फेट की गेट सर्किट को ऑपरेट करने के लिए जो आईसी के 10 और 11 पिन से लगता है, इसके लिए मैं छोटा छोटा दो 100 ओम का रजिस्टर लिया हूँ। ये देखिए ये है इसका ओवरऑल सर्किट। अब दोस्तों ये जो सर्किट इधर है इसको मैं और भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगा ये कैसे ये होता है, तो इसका लिए आपको पार्ट टू देखना पड़ेगा। तो अभी चलिए देखते हैं दोस्तों फिलहाल इसका जो आउटपुट का पावर ये कैसे देता है, तो इसको टेस्ट करके चलिए दोस्तों देखते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों ये है मेरा इन्वर्टर, फाइनल इन्वर्टर दिखने में ऐसा लगता है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर दोस्तों एक 12 वोल्टेज का SMPS लिया हूँ जो मैंने खुद से बनाया है कुछ सर्किट को कॉम्बिनेशन में करके। और ये SMPS दोस्तों डायरेक्ट कनेक्टेड है इन्वर्टर से, इसका पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव में और नेगेटिव में कनेक्टेड है। और आउटपुट में मैं एक फ़ोन का चार्जर जो है उसको लिया हूँ, इससे हमको 5 वोल्ट का आउटपुट मिलेगा। तो और दोस्तों ये है मेरा इन्वर्टर का मेन पावर सप्लाई जो डायरेक्ट इन्वर्टर में एंट्री होता है। और यहाँ पर दोस्तों ये है मेरा बोर्ड, यहाँ पर मेन लाइन का कनेक्शन आ रहा है। तो दोस्तों अब जो है अब मेरा बोर्ड में पावर है, पावर को जब मैं ऑन करूँगा तो ये इन्वर्टर का सर्किट रन होने लगेगा। और ये जो आउटपुट है आउटपुट में ये छोटा सा USB लाइट है, ये USB लाइट ग्लो करने लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं वर्चुअल बैटरी इसीलिए लिया हूँ ताकि मुझे इसका एफिशिएंसी और इसका क्वालिटी को पता चल सके। तो मैं जब इसको ऑन किया देखिए यहाँ पर बैटरी का इंडिकेटर ऑन हो गया है, बैटरी का इंडिकेटर ऑन हो गया है तो बैकग्राउंड में जो लाइट है ये लाइट भी जलने लगेगा, जैसे ये लाइट जल रहा है इधर। अब दोस्तों आप क्या करेंगे, आप इसका जो आउटपुट का पावर है ये पावर को अगर मेन लाइन में मैं कनेक्ट करूँगा तब इन्वर्टर मेन लाइन से पावर को खींचेगा,
चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका आउटपुट मैं मेन लाइन में कनेक्ट कर रहा हूँ। ये देखिए, ये देखिए, तो यहाँ पर रिले एक तरफ से स्विच हो गया और जो मेन पावर है मेन पावर में कनेक्शन दोस्तों आ गया। दोस्तों प्रोसेस को फिर से एक बार देख लेते हैं। अभी देखिए बैटरी से जल रहा है, जब मैं मेन पावर ऑन करूँगा तब ये मेन पावर से कनेक्टेड होगा, तो इसका पीछे जो आउटपुट लगा हुआ है ये कॉन्टिन्यूसली ग्लो करने लगेगा। तो मैं इसको ओपन कर देता हूँ तो बैटरी से चलेगा, और जब मैं कनेक्ट करूँगा तब ये मेन लाइन से पावर को खींचेगा। तो इसका जो आउटपुट है ये आउटपुट हमेशा कॉन्टिन्यूसली ऑन होते लगेगा। जब मेन लाइन में पावर नहीं होगा तो बैटरी से पावर लेगा, और जब पावर होगा तो मेन लाइन से पावर लेके ये इन्वर्टर रन करेगा। तो दोस्तों ये था एक मेरा सिंपल इन्वर्टर जो मैं खुद से बनाया, और इसका जो टेस्टिंग मैंने आपको दिखाया। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ कीजिए दोस्तों सब्सक्राइब। सो दोस्तों पार्ट टू के लिए वेट कीजिए, मैं पार्ट टू जल्दी ही लाने की कोशिश करूँगा। सो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।